तो नमस्कार जैन साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पढ़ाई के इसी सिलसिले को जारी रखने के लिए हम लेकर आया रीजनिंग का बेहतरीन सेशन। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 12, ठीक है? तो सभी बच्चे अलर्ट हो जाएंगे, सभी बच्चे बेहतरीन तरीके से आज के सेशन को लाजवाब बनाएंगे। तो भाई जाहिर सी बात है, सभी बच्चे भाई नमस्ते सर, पूजा गुप्ता बहुत बढ़िया भाई, प्रसाद बिंद्रे गुड इवनिंग भाई, सभी बच्चे आ चुके हैं। और जो बच्चे होली खेल चुके भाई, तो अब होली होली जो है बड़े आराम से बहुत अच्छे से आपने खेला होगा। होली गई ठीक, अभी भी गंगा मेला बाकी है, लेकिन अब जो करना है हम लोग को स्टार्ट करना है प्रैक्टिस सेट नंबर 12। और ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। तो सभी बच्चे केवल और केवल 20 सेकंड, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है, टाइम ओनली 20 सेकंड। धीरे धीरे आप लोगों को स्पीड जो है मेंटेन करनी होगी। आप एक बात बताइए, केवल 20 सेकंड में आप लोगों को इसका जवाब देना होगा और जल्दी से आप लोगों को बताना होगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आना चाहिए। सभी बच्चे आंसर देंगे, अरे टाइम इज ओवर। देखो भाई क्या, अब ये बताइए क्या आप लोगों ने आंसर देखा? नहीं दिया। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे क्या हम लोग करें? अगर L बराबर 12, नहीं भाई 12 तो बन नहीं रहा है, ठीक है। A बराबर नहीं, कुछ नहीं, ये भी नहीं चलेगा। उल्टा कर दो, L का अपोजिट O, O बराबर 15, ये भी नहीं है। अच्छा मेरी एक छोटी सी बात सुनिएगा सभी स्टूडेंट, छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। सर क्या सुनाना चाहते हैं हम? ये आप लोगों को सुनाना चाहते हैं कि देखो भाई डायरेक्ट जो है कोडिंग है, डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट कोडिंग से किया गया, डायरेक्ट कोड। कोड समझते हो डायरेक्ट कोड क्या है? जैसे कि L बराबर 2 है, ठीक है, यहां पे आपने L बराबर 2 किया, तो बच्चा ये बताओ यहां पे W बराबर क्या है? सर आपने कैसे, हमने कैसे पहचाना? हमने ऐसे पहचाना, देखो यहां पर E का प्लेस वैल्यू क्या है, E बराबर 6, यहां पर भी E बराबर क्या है, 6 है, तो बच्चों यहां पर भी E बराबर 6 आएगा और यहां पर भी E बराबर 6 आएगा। बात समझ में आ गई? आपने बोला जी सर। अब ये बताइए W बराबर कितना होगा? तो W बराबर यहां पे 1 आ जाएगा। सर N बराबर कितना होगा? तो यहां पर N की प्लेस वैल्यू 9 हो जाएगी। ये बताइए T बराबर कितना है? T बराबर 7 हो जाएगा और यहां पे आता है T के बाद E 6 है और D कितना होगा? तो D बराबर 4 होगा। आप देखो भाई 1697 और 64 का ही आंसर है, 1697 64 नहीं, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने भी यही जवाब दिया होगा। सच बोलना बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आंसर देना होगा। सर दिखाई नहीं दे रहा, अब तो दिखाई दे रहा ना, बताओ भाई। सभी बच्चों को आंसर देना होगा और अब तो क्वेश्चन दिख रहा होगा, ऐसे तो कोई दिक्कत है नहीं कि क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। कीजिए बताइए आंसर क्या आएगा। हाँ बिल्कुल, हम साइड हो गए हैं, साइड बिल्कुल हो गए हैं, बस आप लोगों को आंसर देना है। साइड तो हम हो ही गए, आंसर तो आप लोगों को देना होगा। बताइए आंसर क्या आ रहा है? टाइम केवल केवल ओनली 20 सेकंड। देखो टाइम ज्यादा हो गया, ठीक है। बोलो कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं? देखिएगा कुछ चीते बिल्लियां हैं यहां पे, थोड़ी सी थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग सारे काम करने हैं। यहां पे आप लोग से कहा गया कुछ चीते बिल्लियां हैं, तो कुछ चीते क्या है? कुछ चीते जो हैं ये बिल्लियां हैं, तो ये बिल्ली हो गई, ठीक है। अब आगे देखो भाई क्या बोला गया, कहा गया है सभी बिल्लियां चूहे हैं, तो सभी बिल्ली क्या होगी? सभी बिल्ली चूहे हो जाएंगे। सभी बिल्ली क्या है? चूहे। अब निष्कर्ष पहला ये कह रहा है सभी चूहे बिल्लियां हैं, क्या ये सही है? सभी चूहे बिल्लियां हैं, सभी चूहे नहीं, कुछ चूहे बिल्ली होंगे, तब तो सर ये गलत है। अच्छा कुछ चीते चूहे हैं, कुछ जो चीते हैं ना वो क्या होंगे? चूहे होंगे, बिल्कुल सही। तो यहां पर तो केवल दूसरा अनुसरण करेगा और केवल दूसरा अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। बताओ सचमुच क्या आप लोग अभी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है? सच बोलिएगा। अरे भाई सी कैसे होगा? देखो भाई यहां पे कुछ बच्चों ने बोला ना तो पहला ना तो दूसरा, गलत बोल रहे हो भाई। केवल दूसरा निष्कर्ष यानी ओनली सेकेंड फॉलो, ठीक है, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और आंसर बताइएगा। टाइम स्टार्ट। कुछ बच्चे बोलते हैं सर जब आप समय दिया करें तो प्लीज साइलेंट रहा करिए। बिल्कुल हम साइलेंट हो गए हैं। प्रदीप दास डी ऑप्शन।
अर्ष श्रीवास्तव, टाइम इज ओवर। अब देखो बच्चों क्या है आंसर। अच्छा देखो एक लॉजिक समझिएगा आप लोग, अगर हम बात करें यहां पे जो 101 है ना, मेरी एक छोटी सी बात सुनिएगा, बस छोटा सा रिक्वेस्ट है, उसको देखिए बड़े आराम से क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। हम ये कह रहे हैं 100 को 101 को लिख सकते हैं 100 प्लस 1, आपने बोला यस सर। 170 को लिख सकते हैं 169 प्लस 1, आपने बोला जी सर कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख सकते हैं 256 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, ये 10 का स्क्वायर है ना, आपने बोला 10 का स्क्वायर प्लस 1, ये 13 का स्क्वायर प्लस 1। अच्छा देखो ये कितने का है, 16 का स्क्वायर प्लस 1। तो एक दिमाग लगाइएगा, 10 में 3 जोड़ा 13, 13 में 3 जोड़ा 16, 16 में 3 जोड़ेंगे तो यहां पर 19 का स्क्वायर और प्लस 1, 19 का स्क्वायर होता है 361 और 1 जोड़ेंगे तो 362। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, 362। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्या आप लोगों ने भी यही आंसर दिया है, सच बोलना है भाई, तो बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चे तो बहुत प्रवन भाई बहुत गलत आंसर दे रहे हैं, बताओ क्या बात है। आधे बच्चे तो होली मना रहे हैं, देखो भाई यहाँ पे 289 नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा सुनिएगा भाई, 289 नहीं, यहाँ पे 19 का स्क्वायर होना चाहिए, 17 का नहीं। क्यों नहीं 17 का, 10 में सर 3 का डिफरेंस है, 10 3 13, 13 और 3 16 और 16 3 19, 19 का स्क्वायर 361 प्लस 1 362। तो राइट आंसर क्या होगा, 362। अगला क्वेश्चन अब देना होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हमें ऐसा नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पेन उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, विदाउट पेन इस क्वेश्चन को बाय लैंग्वेज सॉल्व कर दीजिए, सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। बताइए आंसर क्या आ रहा है, टाइम इज ओवर। अब देखो भाई क्या बोल रहा है, रमन ने अनंत से कहा, रमन ने किससे कहा, अनंत से कहा। क्या बोला रमन अनंत से, बोलता है कि मैंने परसों अपनी, देखो मैंने परसों अपनी दादी जी की पुत्री के इकलौते बेटे, अपनी दादी की पुत्री, दादी की जो पुत्री है ना, मैंने अपनी दादी जी की पुत्री के इकलौते, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने अपनी दादी जी की पुत्री के इकलौते भाई को पढ़ाया। अच्छा दादी जी की इकलौती पुत्री, सॉरी दादी जी की पुत्री के इकलौते भाई, यानी दादी जी का इकलौता बेटा है उसको पढ़ाया, मैंने अपनी दादी जी की पुत्री के इकलौते भाई को पढ़ाया। तो जाहिर सी बात है अगर हम दादी बोल रहे हैं तो पिता जो हमारे पापा होंगे, पापा की मम्मी तो दादी होंगी ना, तो यहां पे बताओ हमने किसने पढ़ाया, हमें इस प्रकार रमन ने किसे पढ़ाया, अपने पिता को पढ़ाया। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, पिता। तो सभी बच्चे टिक कर लेंगे पिता को। अच्छा देखने वाली बात यह है कितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी बोला, सच बोलना भाई, बहुत अच्छी बात है, काफी अच्छे बच्चे आंसर दे रहे हैं। अब देना होगा आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब। बोलो भाई क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, सर बहुत डल दिख रहा है, कोई नहीं भाई डल दिख रहा है तो हम उसको डार्क कर दे रहे हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस बड़े आराम से आप लोग करते रहना है। यहां पे ये 12 है, 12 है, ये 8 है, ये 17 है, ये 16 है, ये 7 है और ये 82 है, यहां पे 37 है, यहां पे 21 है, कुछ नहीं है, बस यही था। बताओ भाई लॉजिक क्या लग रहा है, इतनी देर में तो लॉजिक लगा ही लिए होंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को समय मिलता है 20 सेकंड। बताइए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, सभी बच्चों को आंसर देना होगा, लॉजिक आप लोगों को पकड़ना होगा कि इसमें किस लॉजिक के तहत ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बताओ सभी बच्चे आंसर। वाह क्या बात है भाई, अच्छा सर साइड हट जाओ, बिल्कुल साइड हो गए हैं भाई, टाइम इज ओवर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, भाई ध्यान नहीं देते हैं, टाइम इज ओवर। देखो जल्दी जल्दी सर सभी क्वेश्चनों को, जो 25 क्वेश्चन है टारगेट रखो सर, 25 मिनट में खत्म, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। अच्छा एक बात बताओ, आपने बोला सर यहां पे 17 कैसे आया, अगर मल्टीप्लाई करेंगे कुछ बात बनेगी नहीं, अच्छा गुणा कर दो कोई बात बनेगी, जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं, कुछ नहीं बन रहा। लॉजिक ये लग रहा है अगर इन दोनों के बीच डिफरेंस ले लो कितना आएगा, आपने बोला सर इन दोनों का डिफरेंस आता है 4, स्क्वायर करके 1 जोड़ दो आ जाएगा 17। हम ये आपको समझाना चाहते हैं कि अगर इन दोनों का डिफरेंस लोगे कितना बचेगा, तो 16 में से 7 गया 9, 9 का स्क्वायर 81 में 1 जोड़ देंगे 82। तो एक बात बताओ इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे कितना आएगा, 9
और साथ 16, 16 का स्क्वायर होता है 256 और एक जोड़ेंगे तो 257 और सही जवाब क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तो ये बताओ कितने बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आंसर आया, बहुत शानदार, किसी का नहीं आया। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन जल्दी से आप लोगों को ध्यान देना होगा और आंसर देना होगा। बताइए इस क्वेश्चन का टाइमिंग ओनली 20 सेकेंड ही रहेगी, ये मत सोचना सर टाइम हम बढ़ा देंगे, नहीं कीजिए आप लोग, सभी बच्चों को आंसर देना होगा, थोड़ा तो फास्ट होइए आप लोग। बताइए लॉजिक क्या लग रहा है, कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे भाई, एक बार तो आप लोग आंसर दीजिए क्या जवाब आएगा भाई। देखिए क्या बोला गया है, कहा गया है कि देखो भाई टोटल कितने फ्रेंड है, 6 फ्रेंड है, कोई मतलब नहीं, बहुत अच्छी बात है, सभी एक सीध, सभी एक लाइन में खड़े हैं और सभी नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर नॉर्थ की ओर देखेंगे तो आप सब लोगों को जैसा पता है सर क्या पता है बता दीजिए, आप लोगों को यह पता है जिसमें डायरेक्शन नहीं दिया जाता है भाई, हम लोग मान लेते हैं कि नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, इधर होता है लेफ्ट, इधर होता है राइट। बच्चों देखो क्या बोला गया, जो बोला गया है उसी को आप लोगों को फॉलो करना है। यहां पे सबसे पहले बोला गया 6 लोग हैं, आगे देखो L और H के बीच G बैठा है, तो हमने बोला L और H के बीच G बैठा, बहुत अच्छी बात है। L और H के बीच कौन बैठा है, तो L और H के बीच G बैठा है, बहुत अच्छी बात है। L और H के बीच कौन बैठा है, G बैठा है, बैठा दिया। फिर कहा गया यहां पर एच एम के राइट चौथे स्थान पर बैठा है, बहुत अच्छी बात है, एच एम के राइट चौथे स्थान पर। अरे क्या हो रहा है भाई, एल और एच के बीच कौन बैठा है, तो एल और एच के बीच जी बैठा, बहुत अच्छी बात है। एच जो है वो एम के राइट चौथे स्थान पर बैठा है, एच एम के राइट, तो जो एच है ना वो एम के राइट में, अगर एम यहां बनाएंगे तो इसके राइट में पहले पे नहीं, दूसरे पर नहीं, तीसरे पर नहीं, चौथे पर बैठा है, बहुत अच्छी बात है। ये L हो गया, ये G, ये H, ठीक, टोटल कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। अब देखो क्या बोला गया, यहां पर कौन है कुछ नहीं पता, K H के राइट साइड पड़ोस में बैठा है, जो K है ना वो H के राइट में कहां बैठा है, पड़ोस में बैठा है। अब ये बताइए इकलौता बचता कौन है, इकलौता बचता है इसमें J, तो बच्चों ये पूछा गया है कि L और M के बीच कौन है, तो आपने बोला सर L और M के बीच इकलौता J बचता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सच बोलना कि आप लोगों ने यही आंसर दिया था, K गलत होगा, केवल J आंसर होगा, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बहुत बढ़िया और बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा। विनीता कुमारी जी बिल्कुल सही, पूजा गुप्ता जी और श्रीवास्तव बहुत बढ़िया भाई आंसर दे रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। प्रसाद बिंद्रे, प्रिया पाल सी, मिथुन घोष जी बहुत बढ़िया। अरे टाइम कितना ज्यादा हो गया, ये बताइए कितने ट्रायंगल है, कुछ बच्चे ऐसा गलत जवाब देंगे, कहेंगे नहीं सर हमको आता ही नहीं है। अरे आप ही लोग को आंसर देना होगा, एक बात बताइएगा सबसे पहले आप लोग ये बताओ, अगर हम बात करते हैं इसको ब्रेक कर दो, ये तो कभी आप लोग गलत करोगे नहीं, नहीं सर 1 2 3 4, तो 4 2 8। अब ध्यान दो, अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको देखो भाई, ये मान ले बेस, तो 1 2 3 3 2 5 और 1 6 सर 6 हो जाएगा, फिर इसको केंद्र मान के देखो, इसको बेस मान लो इधर वाला, तो सर 1 2 यानी 3 इसमें होगा, तो 3 ये हो गया, और कुछ बचता है 3 2 5 1 6 और 3 इधर हो गया। अब देखो अगर हम करें इन सबको भूल जाओ, तो सर देखो कंबाइंड में कोई डायग्राम बन रहा है, अगर हम इसको देखें तो नहीं नहीं इधर से नहीं बन रहा है डायग्राम, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, ये तो अगर ये नहीं बन रहा है तो उसको हटा देते हैं, अगर ये नहीं बन रहा है तो हमने इसको हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब सर क्या बनेगा, जो बनेगा उसको बना लेंगे, तो यहां पे देखने वाली बात है सर, देखो एक ट्रायंगल ये बन रहा आप लोग का, ये देखिए भाई हाँ बन तो रहा है, ये यहां से लेकर यहां तक ये ट्रायंगल एक बन रहा है, तो 1+ यहां पे कर दो, देखो क्या हो रहा है, 8 6 14 3 17 1 18, और यहां पे राइट आंसर क्या आएगा, 18 19 नहीं होगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप लोग भी यही जवाब दे रहे हो, सच बोलना झूठ मत बोलना, 19 मनीष कुमार कैसे कर दिए भाई, केवल 18 आ रहा है,
इसमें सही जवाब केवल आ रहा है मिथुन घोष का एग्जैक्ट, और राइट आंसर यहां पे राइट आंसर क्या है 18, बिल्कुल सही जवाब, तो भाई 18 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बताइए, ये बताइए इस क्वेश्चन में सही लॉजिक क्या लग रहा है, और जल्दी से आप लोगों को बताना होगा इस क्वेश्चन में जो ये सेट थ्योरी है, जो रिलेशन इसमें अप्लाई हो रहा है सेम वही इनमें अप्लाई हो रहा होगा, बताइए क्या होगा आंसर। देवनाथ बहुत अच्छा भी, कौन है, महिमा, अभिषेक, रंजन, संजीव कुमार। अरे टाइम इज ओवर भाई, बताइए, टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा एक बात बताइए, आप यहां पे 7 को 7 से 50, देखो भाई कुछ चीजें ऐसी है ना, बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली हम बता रहे, टेंशन मत लेना, जो आपने किया होगा पहले हमने भी किया है, कोई दिक्कत नहीं। अब लॉजिक ही लगाना है कि इसमें हो क्या रहा है। अब अगर हम एक काम करें, 7 का गुणा कर दें और एक जोड़ दें, 25, नहीं नहीं अच्छे काम और भी हो सकता है, अगर हम 7 का स्क्वायर कर दें तो 49 आ जाएगा, और एक जोड़ दें तो यहां पर 50 आएगा। बात समझ में आ गई, और 50 में अगर 2 का गुणा करके 2 जोड़ देंगे कितना आएगा, 100 और 2 102, तो भाई अगर 5 का स्क्वायर करेंगे 25, एक जोड़ेंगे 26, ये होगा नहीं। 6 का स्क्वायर करके एक जोड़ेंगे कितना आएगा आप लोगों का, 37, ये होगा नहीं। 8 का स्क्वायर होता है 64, एक जोड़ेंगे 65, तो ये तो समझ में आ गया। अब 65 में 2 का गुणा करके 2 जोड़ेंगे आ जाएगा 132, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आप लोग ने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है, सच बोलना झूठ मत बोलना, वाह क्या बात है, गलत आंसर किसी का आंसर नहीं आ रहा भाई, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लॉजिक को समझ लेना जो हमने बोला है। अब बताइए, कहोगे वाह सर बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, हाँ बड़े अच्छे अच्छे ही क्वेश्चन है, केवल 20 सेकंड के भीतर आप लोग को आंसर देना होगा जो रिलेशन, ठीक है कुछ बोला नहीं, इतने आप लोग समझदार हो गए हो, जल्दी से टाइम स्टार्ट होता है और आंसर दीजिएगा। विनीता कुमारी ठीक, बहुत बढ़िया सर, पीछे वाले क्वेश्चन 19 होगा, प्लीज एक बार एक्सप्लेन करें, ठीक है भाई जरूर हम एक्सप्लेन करवा रहे हैं, बोलो भाई पहले जल्दी से फटाक से एक बार इसका आंसर दे दीजिए, एक बार जल्दी, नहीं दोगे मतलब कसम खा रखे हो नहीं देंगे, कसम खा के कहो बिल्कुल आंसर नहीं देंगे, गलत देंगे, मतलब थोड़ा सा भी हम अच्छा क्वेश्चन कर दे तो गलत आंसर दोगे, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई बताओ। यहां पर F है, अच्छा F बराबर कितना होता है 6, बिल्कुल सही, यहां पर F बराबर 6, C बराबर 3 और B बराबर 2, क्या कुछ आपको समझ में आ रहा है, यस 6 3 18 18 2 36 और 36 का रूट ले लो कितना आएगा 6, कहोगे अच्छा क्या वो इसमें अप्लाई होगा, बिल्कुल, B बराबर 2, H बराबर 8 और I बराबर 9, 9 8 72 2 144, और इसका अगर रूट ले लोगे तो कितना आएगा, यहां पे आएगा 12, और 12 का मतलब होता है L, तो क्या आपका आंसर L नहीं आ रहा है, सच बोलना, क्या ऑप्शन डी आ रहा है, क्या L आ रहा है, सच बोल दो भाई, वाह क्या बात है, मतलब कुछ बोल ही नहीं रहे, साइलेंट हो गए हो आप लोग भाई, राइट आंसर क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है, अब तो ये नहीं कहोगे नहीं सर ये समझ में नहीं आया, फटाक से बोलिएगा, जल्दी से करके दिखाइए, टाइम बिल्कुल ज्यादा नहीं देंगे, केवल 20 सेकंड देंगे भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा, हाँ बिल्कुल सही, केवल 20 सेकंड, सर मत बोलो क्वेश्चन, बिल्कुल साइलेंट है, बोलेंगे नहीं, आपने बोल दिया नहीं बोलेंगे, चलिए भाई टाइम इज ओवर, ये तो कह सकते ना टाइम इज ओवर। एक बात बताइए, अगर आप 27 में ना 3 का डिवाइड करोगे कितना आएगा, सर 81, ठीक, और अगर आप इसमें 100 का डिवाइड कर दोगे, 100 का तो पॉइंट, अगर इसमें 100 का डिवाइड कर दोगे किसमें भाई, आपने पहले 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो 81 आया, और इसमें क्या किया, अगर 100 का डिवाइड कर दोगे तो 0.01। इसी प्रकार अगर हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दे, 3 का मल्टीप्लाई कर दे, आ जाएगा 9, और 9 में अगर 100 का डिवाइड कर देंगे कितना आएगा, 0.09। देखो भाई कहीं 0.09 आंसर आ रहा है, जल्दी से देखो भाई, बहुत क्वेश्चन छोटा है, ऑप्शन नंबर ए, कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है, बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, इस बात को समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, अब आप ये तो नहीं कहोगे सर हमको इसमें भी समय चाहिए, बोलो भाई कितना इजी क्वेश्चन है, जल्दी से फटाक से आंसर बताइए,
एक बार सभी बच्चे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सिंपली आंसर देंगे। लॉजिक देखो, लॉजिक क्या लग रहा है भाई? फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना होगा कि इसके बाद कौन सा फिगर सीरीज आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी या डी। बहुत ज्यादा समय दे दिया, इतना तो देना नहीं है। सर देखो, सबसे पहले ये जो खोपड़ी है ना, हेड, आपने कहा सर खोपड़ी कहां दिख रही है, अरे गौर से देखो भाई, दिखेगी। हाँ सर दिख गई। तो अब ये बताइएगा आप लोग, सबसे पहले अगर हम इसमें हेड की बात करें तो सबसे पहले हेड किधर था? आपने बोला सर हेड आप लोग का बिल्कुल ऊपर था, फिर 45 डिग्री पर यहां पे आया, फिर 45 डिग्री पर नीचे आया, फिर 45 पर इधर आ गया, तो फिर 45 क्लॉकवाइज जाएंगे तो कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, यानी ये ऐसे आएगा। लेकिन दिक्कत ये है ना, पहले सर्कल फिर स्क्वायर, फिर सर्कल फिर स्क्वायर, तो फिर क्या होगा? सर्कल होगा। तो पहली बात तो सर ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ठीक, इन दोनों में एक होगा, या तो ये सर्कल में होना चाहिए, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या आप सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया है? बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चों का आ रहा है, जल्दी से बता दो, कहोगे वाओ सर क्या क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन है तो जवाब भी आप लोग को ही देना होगा, और सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का 100% बढ़िया वाला ही जवाब देना है। बताओ इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है? बिल्कुल साइड हो जा रहे हैं। अर्श, मनीष कुमार 90 डिग्री, बिल्कुल सही, गजब, बिट्टू दास, ठीक है। अरे टाइम कितना ज्यादा दे दिया, वैसे क्वेश्चन भी अच्छा था। एक बात बताइए, क्या आप लोग आंसर सही जवाब नहीं दोगे? सच बोलना, कितना सिंपल है, बहुत ज्यादा माइंड लगा रहे हो। देखते कितने बच्चों ने आंसर दिया इसका, एक बार नंबर अनुज, कौन सा क्वेश्चन, एक बार नंबर डाल के बताइए भाई। मिथुन घोष बोल रहे 96, मिथुन घोष भाई बड़े अच्छे और सही जवाब देते हो। एक बात बताइएगा, आखिर इन सभी से 95 कैसे आएगा? अगर हम इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई करा दें, बोलोगे क्या? अरे हम ये करें, इनके बीच मल्टीप्लाई करा दो तो 12×5=60 होगा। आपने बोला जी सर। अच्छा इन दोनों का आपस में करा दो कितना आएगा? तो 7×5=35, और अगर हम इनको जोड़ दें कितना आएगा? 6×3=95। बात समझ में आ गई? हम ये कह रहे हैं कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 68 होता है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 28 होता है, दोनों को जोड़ दो 8×8=16, और 6×2=8=9, 96। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या लग रहा है? एक बार सभी बच्चे बहुत तेजी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, ओनली 20 सेकंड के भीतर। हाँ स्टार्ट करो भाई, फटाक से आंसर दीजिएगा। रोशन, गोपाल 96, बहुत बढ़िया भाई गोपाल। अर्श, बिट्टू दास, अरे टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया? टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया। अब देखो दिमाग लगाओ 21 कैसे आ रहा है, दिमाग लगाइए कि 21 कैसे आ रहा है। एक काम करते हैं, अगर हम इस 12 में 3 से डिवाइड कर दे, कितनी बार गया? 4 बार गया, और 21 में अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दे आ रहा है 84। देखो हम क्या समझाना चाहते हैं, हम ये समझाना चाहते हैं कि अगर आप 16 में 4 का डिवाइड करोगे आएगा 4, और 34 में 4 का करके देखो 4×4=16, और 4×3=12, 1×13, बिल्कुल सही। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि इसमें यानी x में किस संख्या, ये बताओ 16 में अगर हम किस संख्या का भाग दें? x का भाग दें, ठीक है। तो बताओ x का भाग दें और किसका गुणा कर दें? x का भाग देने के बाद, ठीक है, जो आएगा ना इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, तो सर ये संख्या कितनी है? 28, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? 112 आएगा। कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली भी एक काम करो 16 से काट दो। अगर हम लोग 16 से काटेंगे तो कितना आंसर आएगा भाई? 16×7=112, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 4, अरे भाई काट दो, x बराबर सीधे गया 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो यहां पे अगर एक बार 4 पुटअप करके देख लो भाई, 4×4=16, यस सर यहां पे 4 आ गया, और 28 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 34×32, और 4×2=8×3=11, बिल्कुल सही है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कितने बच्चों ने सही जवाब दिया? बहुत शानदार, काफी बच्चों का बहुत सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये तो नहीं बोलोगे कि नहीं सर हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत टफ है, हमें बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा, इसका आप लोगों को आंसर देना होगा। जल्दी से फटाक से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ रहा है।
कुणाल देवगन, पूजा गुप्ता, सुमन यादव, संजीव कुमार, बिट्टू दास, मनीष कुमार, संजीव कुमार। बहुत अच्छा भाई, शानदार, गजब भाई, पवन। अरे टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। एक बात बताइएगा, आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है तो 324 दिनों बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अच्छा एक बात बताइएगा, आज शुक्रवार है तो 324 दिनों बाद आगे का पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है जो ऑड डे होगा उसको हम लोग ऐड करेंगे। अब एक बात बताओ, 324 में अगर 7 का डिवाइड करोगे तो बताओ कितना आप लोग का ऑड डे का रिमाइंडर शेषफल कितना बच रहा है? 7 से काट दो तो 7 चौक 28। बिल्कुल सही, 7 चौक 28 हो गया, कितना गया? 4। और 4 का मतलब ये सचोट बचा 4, 7 6 42, यहां पे रिमाइंडर बचता है 2। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर आज शुक्रवार है तो आज से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? शनिवार और रविवार। तो राइट आंसर होगा रविवार। तो यहां पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आप सब लोग का ऑप्शन नंबर बी आ रहा? सच बोलना, झूठ बिल्कुल। अरे वाह क्या बात है, बी नहीं होगा राइट आंसर। अच्छा हाँ हाँ बी होगा भाई, क्या हम देख रहे हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है भाई, बी बिल्कुल सही। जो बच्चे बी बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते ही आंसर दोगे? बिल्कुल भाई, जब देखते ही आंसर दोगे, लेकिन हमारी तो मजबूरी है कि सर हमें 20 सेकंड देना है, नहीं तो आप कहोगे सर बताओ ये भी टाइम आप घटा दिए। एक बात बताइए, जो ये दिया गया डायग्राम है, जो डायग्राम आप लोग देख रहे हैं कंप्लीट कीजिए। वाह कितना बढ़िया, मतलब शानदार, कितने बढ़िया बढ़िया आप लोग भाई आंसर देते हैं, मन खुश। अच्छा सर साइड हो जाओ, बिल्कुल साइड हो गए, कम से कम आप ये ना कह सको नहीं सर आप जो है साइड नहीं हो रहा, बिल्कुल साइड हो गए। आप बताइए पहली बार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहली बात तो बच्चों एक बात बताओ, ये यहां पे आएगा, यस सर ये यहां पे जाएगा, ये ऐसे पूरा होगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे जाएगा, जी सर। अब देखिए ये यहां पे जो है ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, जी सर। और कुछ हो रहा है यहां पे? और कुछ लॉजिक? सर ये जो है ना ये सर्कल ये ऐसे जाएगा। अब बताइए ऐसा डायग्राम कहां पे है? तो ऐसा डायग्राम जो दिखने वाला दिख रहा है तो ये तो होगा नहीं डबल सर्कल सर, बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा एक बात, तो ये उल्टा है, बिल्कुल होगा नहीं सर। इकलौता डायग्राम ऑप्शन नंबर डी है, इकलौता होगा, क्योंकि ये भी तो ऐसे आएगा ना भाई, और यहां पे उल्टा है तो केवल डी ऑप्शन होगा। अच्छा क्या आप लोग सही आंसर समझ गए हो? झूठ मत बोलना, डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अब बताइए, ओनली 20 सेकंड टाइम। जो चाइना है इसको किस प्रकार कोडिंग में लिखा जा सकता है? पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। क्या बात है भाई, कुछ ज्यादा ही कठिन क्वेश्चन है ये तो, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बात बताइए, टाइम इज ओवर, छोटी सी बात है, ये बताइए चाइना का जो कोड है वो किस प्रकार, चाइना को किस प्रकार लिख सकते हैं? कथन, क्या पहला कथन पर्याप्त है? देखो इसको लिखा क्या गया है, सबसे पहली बात तो समझिए इसमें लिखा क्या गया है। यहां पे हमको लग रहा है केवल अल्फाबेटिकल रिप्लेसमेंट किया गया है। ईसी देखिए भाई, ईसी पहले इसको लिखा गया है, ईसी हो गया, फिर आईएच को लिखा गया है, और फिर लास्ट में एल है। इसी प्रकार देखिए अगर हम चाइना को लिखें, आपने कहा सर अगर इसको ऐसा लिखा गया है तो चाइना को क्या लिख सकते हैं? अगर ईसी है तो आपने बोला सर एसी आ जाएगा, बिल्कुल सही। फिर क्या है यहां पर? आईएच, यानी यहां पे आईएच आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो आपने आईएच कर दिया, आईएच नहीं, पहले एसी उसके बाद आईएच, बिल्कुल सही है, आईएच आ जाएगा और लास्ट में आएगा एन। तो एक बात बताओ इसका आंसर देने के लिए बिल्कुल सही है। अच्छा क्या इससे दे सकते हैं आपने बोला? जी सर, क्या सेम वही चीज है? तो यहां पे आएगा सबसे पहले टीई, बिल्कुल सही, वाईजी, बिल्कुल सही, और लास्ट में एपी। तो सर चाइना का जो आंसर दे सकते हैं वो हम पहले कथन से भी दे सकते हैं और दूसरे से भी दे सकते हैं, यानी दोनों में किसी एक से दे सकते हैं। तो यहां पर या वाली कंडीशन आएगी। अब देखना है या वाली कंडीशन क्या कहां पे है? तो सर यहां या तो पहला या तो दूसरा पर्याप्त है, पहला या दूसरा पर्याप्त है ऑप्शन। अरे वाह क्या बात है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं होगा कि आप लोग गलत दे दोगे इस क्वेश्चन का आंसर? प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अपने ऊपर अप्लाई कर दो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। बताइए आंसर क्या आएगा, एक बार अपने ऊपर अप्लाई करना।
बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि सर इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। हाँ बिल्कुल हम साइड हो गए हैं, बताइए आंसर क्या आएगा। अरे टाइम, अच्छा हाँ भाई टाइम तो ओवर हो गया, केवल 20 सेकंड बता रहे हैं आप लोगों। देखो भाई क्या है स्टेटमेंट, प्रश्न में कोई, देखो भाई प्रश्न पत्र में कोई गलत प्रश्न थे, प्रश्न पत्र जो एग्जाम पेपर था ना पेपर, उसमें कई गलत प्रश्न थे जिसके कारण परीक्षा में कई छात्र फेल हो गए। ये क्या है आप लोगों का कथन है या प्रश्न है? अब कार्रवाई क्या होनी चाहिए? तो सही प्रश्न पत्र के साथ परीक्षा दोबारा करवाई जाए। बिल्कुल बात सही कह रहा भाई, जब फेल हो गए तो फिर से सही एग्जाम पेपर किया जाए और फिर से एग्जाम होना चाहिए। दूसरा, गलत प्रश्नों के साथ रियायती अंक दिए जाने चाहिए। भैया जो आप लोग के पेपर हो चुके हैं और पेपर दोबारा नहीं कराना चाहते हो तो सही मतलब एक एवरेज अंक देकर, रियायती अंक देकर सभी को क्या करना चाहिए? सर सभी बच्चों को एक रियायती अंक देना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो यहां पर पहला दूसरा दोनों ही अनुसरण करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या आप लोग भी बोल रहे हो? बिल्कुल डी नहीं, केवल बी। जवाब दीजिए सभी बच्चे। अब ये तो नहीं कहोगे नहीं सर हम इस क्वेश्चन का आंसर जवाब जल्दी से फटाक से, ओनली और ओनली 20 सेकंड। एक्स की ओर इशारा करते हुए वाई कहता है, एक्स मेरी माता। अरे टाइम इज ओवर भाई, टाइम खत्म। देखिए क्या बोल रहा है, थोड़ा सुनना, विदाउट पेन सॉल्व करना होगा। X की ओर इशारा करते हुए Y ने कहा, Y बोल क्या रहा है, Y कहता है, Y कहता है X की माता, देखो भाई Y क्या बोल रहा है, बोल रहा है X की माता के इकलौते पुत्र की पुत्री है। X कौन है? Y कहता जो X है ना, वह X जो है, ठीक है, X की ओर इशारा करते हुए Y कहता, Y क्या बोलता है, X जो है वो मेरी मम्मी के इकलौते बेटे, तो मेरी मम्मी के इकलौते बेटे हम हुए, तो मेरी एक्स जो है मेरी मम्मी के इकलौते बेटे की पुत्री, यानी मेरी पुत्री हुई, बात समझ लो, वाई की पुत्री हुई, कौन? एक्स। तो कहा गया है तब वाई की माता का एक्स से क्या संबंध है? वाई की माता मेरी पुत्री की दादी लगेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दादी होगा। अच्छा सच बोलना, क्या दादी दिए हो? बहुत सही आंसर, दादी होगा। नेक्स्ट अब बताइए, अरे वाह सर कितना बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन समय तो उतना ही देंगे और सर ये प्रीवियस एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया है, अब ये बहाना नहीं चलेगा कि नहीं सर हम ये नहीं कर पाएंगे और तेजी से आंसर दूंगा, बहाना तो बिल्कुल चलना नहीं है। हाँ बिल्कुल साइड हो जा रहे, बताओ फटाक से आंसर क्या आएगा। ओनली 20 सेकंड। अच्छा देखो बच्चों एक छोटी सी बात और ध्यान दीजिएगा हमारी इस छोटी सी बात को। कहा गया जो नीचे सीरीज दी गई है ना, आपने बोला जी सर, जो नीचे सीरीज दी गई है इसके अंतिम आधे भाग को, लास्ट वाले आधे भाग को उलट दिया जाए, तो बताओ राइट एंड से राइट एंड तो ये है ना, यहां से आठवां पद क्या होगा? अच्छा मेरी एक बात सुनना, टोटल कितने अल्फाबेट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 यानी 10, और 10 का मतलब यह है कि आधे पलट दिए जाए। तो यह बताओ आधे पलट दिए जाए, मान लेते हैं सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये आधे पलट दिए जाएंगे, 20 से पलट दिए जाएंगे। तो एक बात बताओ, अगर आधों को पलट दिया जाए, कहा गया है कि नीचे दी गई श्रृंखला के अंतिम आधे भाग को, लास्ट वाले आधे भाग को पलट दिया जाए, तो राइट एंड से इधर से ये बताओ आप लोगों का आठवां पद कौन सा होगा? एक बात बताइए, अगर ये पलट दोगे तो सबसे पहले यू ही तो आएगा, यू आएगा, फिर जे आएगा, फिर जेड आएगा, फिर टी आएगा, तो क्यों ना हम इधर से काउंट करने से अच्छा है इधर ही से आठवां काउंट कर लें। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और राइट आंसर क्या आएगा? एफ। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? एफ, ऑप्शन नंबर डी। क्या आप लोगों ने सही जवाब दिया है? क्यों कैसे दे रहे हो भाई आधे को? तो राइट आंसर एफ होगा, बिल्कुल सही मिथुन घोष, बहुत बढ़िया लाजवाब आंसर दे रहे हैं भाई। अब वाह क्या क्वेश्चन सर आप लेकर आए, अगर क्वेश्चन लेकर आए हैं तो सर आंसर भी देना चाहिए, और ये हम लेकर नहीं आए सर, आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। एक बार सभी बच्चे इस क्वेश्चन का बिल्कुल बढ़िया वाला आंसर देंगे। टोटल कितने स्क्वायर हैं जल्दी से बता दे सभी बच्चे।
टाइम इज ओवर भाई। देखो भाई कितने स्क्वायर है, आपने बोला सर एक हुआ ही, हमने बोला बिल्कुल, दूसरा ये हुआ, अरे बिल्कुल भाई, तीसरा ये हुआ, अरे बिल्कुल, चौथा ये, यस सर चार हो गए। अब भी कुछ दिख रहा है हमको? तो चार ही दिखे सर, एक और दिख रहा है, पांचवा ये, छठवा ये, सातवा ये, टोटल कितने हो गए? सात। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी यही आंसर दे रहे हो भाई। सात बिल्कुल सही सर, तेजी से, बिल्कुल भाई हम तेजी से ही करा रहे हैं, धीरे धीरे नहीं करा रहे, तेजी से ही करा रहे हैं। केवल 20 सेकंड के भीतर अब इस क्वेश्चन का जवाब देना होगा, ऐसा नहीं कि हम बहुत देर में करा रहे, तेजी से ही करा रहे। हां जी बताइए आंसर क्या आ रहा है। वाह क्या बात है, अरे टाइम इज ओवर, सुन लो क्या बोला गया है, कहा गया है कुछ शेर भाग है। अच्छा देखो भाई यहां पे कुछ शेर क्या होंगे तो सुन लीजिएगा, कुछ शेर जो है ना, कुछ शेर, ठीक है भाई, कुछ शेर क्या है? बाघ है, तो बाघ हो गए। अब देखिए क्या बोला गया, शेर और बाघ, कहा गया कुछ बाघ हाथी हैं, कुछ बाघ क्या है? कुछ बाघ हाथी हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर कहा गया सभी हाथी बंदर हैं, तो सभी हाथी क्या है? बंदर हो गए, ये बंदर हो गए। अब देखिए क्या बोला गया है, सभी बंदर इंसान है, तो सारे सारे बंदर क्या हो जाएंगे? इंसान हो जाएंगे, तो ये इंसान हो गए, ये इंसान है। अब देखिए क्या बोला गया, सबसे पहले निष्कर्ष पहला कौन सा है? कहा गया है कुछ इंसान बाघ हैं, क्या ये बात सही है? अरे भाई कुछ इंसान जो है वो बाघ है, बिल्कुल सही कह रहा है भाई, कुछ इंसान बाघ है, कुछ बंदर बाघ है, कुछ बंदर जो है ना वो बाघ है, बिल्कुल से भी कुछ बंदर बाघ भी, अरे तो बड़ा सिंपल है, तो पहला और दूसरा दोनों ही अनुसरण करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही भाई, 21 का सी होगा, सभी बच्चों ने सी बोला, बहुत अच्छी बात है। जल्दी से बिना लेट किए हुए स्क्रीन पर ये आया क्वेश्चन, जब घड़ी में 6:44 हो रहा है तो बताओ घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का एंगल कितना होगा? फटाक से आंसर दे दीजिए। हाँ बिल्कुल सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, गोपाल विश्वास, बहुत बढ़िया भाई आंसर। बच्चों एक बात बताओ, टाइम इज ओवर, हमने आप लोगों को बताया था जब भी एंगल वाले क्वेश्चन पूछेंगे, हमने आप लोगों को एक लौता फॉर्मूला बताया था, सर कौन सा फॉर्मूला? भूल गए, भूल गए इतनी जल्दी? अरे भाई ये बताओ मॉडुलस के अंदर 30h - 11/2 मिनट, यस सर, ये बताओ h के स्थान पे क्या रखेंगे? जल्दी से बता दो भाई, h के स्थान पे क्या रखोगे? तो बोलोगे 6, तो यहां पे मल्टीप्लाई 6 कर दो। ये बताइएगा मिनट के स्थान पे क्या है? 44, 44 कर दो। अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो 36 18, यानी यहां पे आ जाएगा 180, और माइनस क्या आएगा? अगर काटेंगे तो 22 आ जाएगा, और 22 दाहम कितना होता है? 220 होता है, 220 में फिर से 22 जोड़ेंगे कितना आएगा? 242, और 242 में अगर 180 घटाओगे आ गया 2, और यहां पे कितना जा रहा भाई? 6 बच रहा है, तो राइट आंसर क्या आएगा? 62 डिग्री, और सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का भी यही आंसर आ रहा होगा भाई, सच बोलना, बहुत बड़े, अरे वाह क्या बात है भाई, दिग्विजय सिंह आप तो आंसर बिल्कुल उल्टा बोल दियो भाई, 65 है ही नहीं, जब है ही नहीं तो आंसर कैसे दे रहे हो भाई, यहां पे आ ही नहीं रहा आंसर। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 23, सेकंड लास्ट अभी नहीं है, जल्दी से बता दो भाई। अब ये मत कहना सर आप लोग जो है समय कम दे रहे हैं, समय हम आप लोगों को उतना दे रहे हैं जितना सफिशियंट है, जब एग्जाम में बैठोगे तब हमारी याद है कि नहीं सर ने सही कहा था, सर समय को हम लोग कैसे मैनेज करें, बिल्कुल फास्ट आंसर देना होगा। अब इसमें कुछ भी, हाँ जल्दी से कीजिए, वाह क्या बात है, एक बात बताइए, अगर जब भी आप लोगों के सामने मिरर इमेज पूछेगा ना, दिमाग में गांठ बैठा लो, जब भी मिरर इमेज पूछेगा लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होता है, कभी उल्टा नहीं होता है सर, इसमें डब्लू उल्टा कभी जिंदगी में नहीं होगा, डब्लू उल्टा कभी जिंदगी में नहीं होगा। देखो पलटा के 5 को ही उल्टा कर दिए, कभी जिंदगी में नहीं होगा, तो सर इकलौता आंसर बचता क्या है? केवल केवल ऑप्शन नंबर बी, चेक करने कोई जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अब बताइए इस क्वेश्चन का, अरे वाह सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हो, लेकर नहीं आया सर, ये आप लोग का प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि हम क्वेश्चन वही लाते हैं, या तो एग्जाम में पूछे जाएंगे या पूछे जा चुके हैं, फटाक से आंसर दे दो भाई।
हाँ जी जल्दी से आंसर देना होगा आप लोगों को। बताइए क्या आंसर आ रहा है और क्या आना चाहिए। टाइम इज ओवर, बिल्कुल टाइम इज ओवर। अच्छा देखिएगा यहां पे लॉजिक क्या है। अगर हम यहां पर तीन का क्यूब, देखो भाई यहां पर तीन का क्यूब कितना होता है सर 27, यहां पर चार का क्यूब करके एक जोड़ दो तो कितना आ रहा है 65। तो बताओ अगर यहां पे तीन के बाद चार, अगर यहां पे 64 है, अगर ये चार का क्यूब है तो यहां पे 64 आया, तो यहां पे सॉरी पांच का क्यूब करके एक जोड़ देंगे ये आ जाएगा 126। तो राइट आंसर क्या आएगा 126। हम कह रहे तीन का क्यूब और यहां पे चार का क्यूब प्लस एक, चार का क्यूब तो पांच का क्यूब प्लस एक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और ये रहा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, फटाक से आंसर दे दो। अब ये मत करें कि नहीं सर ये तो हमको और नहीं आता, ये तो आप ही लोगों को करना होगा। जल्दी से बता दे भाई सभी बच्चे आंसर क्या आएगा। सर साइड प्लीज, बिल्कुल साइड प्लीज हो गए। अरे बच्चों ये बताइएगा अगर ये हम ऐसे देखें तो ये ऐसे होगा, बिल्कुल सही। एरो जो बना है सर ये एरो ऐसे जाएगा, बिल्कुल ऐसे जाएगा। अच्छा ये बताइएगा ये लाइन पूरी कहां तक जाएगी, ये नीचे आएगी और ये लाइन ऐसे जाएगी, बिल्कुल सही सर कह रहे हैं ये ऐसे जाएगा, इसके बाद एक डब्बा ऐसे जाएगा। अब देखिएगा किसी डायग्राम में क्या ऐसे बना हुआ है, तो आपने बोला सर इकलौता हमें डायग्राम जो दिख रहा है ये सर दिख रहा है बी, क्योंकि ये तो टेढ़ा में टेढ़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, ये जो है ये बिल्कुल ही कुछ नहीं चारा समझ में आ रहा है, इसमें एरो जो है ये यहां पे सर बिल्कुल नहीं आ रहा, केवल राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा आप लोग बताओ आप लोगों ने आंसर क्या दिया, बी दे दिया, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे सेम टाइम पे, तब तक जय हिंद जय भारत और अपना ख्याल रखें, गुड नाइट।